हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रीडी मूवी को, जो 2 दिसंबर को रिलीज़ हुई है, जिसके IMDb पे रेटिंग अभी तक की 9 है। ये मूवी कार्तिक आर्यन की एक साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी है। वाकई मुझे तो बहुत मज़ा आया ये मूवी देख के। हालांकि ये मूवी OTT पे रिलीज़ हुई है, बट मैं चाहता हूँ ये मूवी सिनेमा पर रिलीज़ हो। इस मूवी का बजट था 35 से 40 करोड़ का और इसे डायरेक्ट किया है शशांक घोष जी ने। मूवी की अगर बात करें तो कार्तिक आर्यन का नाम डॉक्टर फ्रीडी जिनवाला होता है, जो कि एक प्रोफेशन से डेंटिस्ट होता है। इसमें कार्तिक आर्यन बहुत वीक एंड शाई दिखाया गया है, जो अपनी बात भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मूवी की स्टार्टिंग एक सीन से होती है जहां वो एक गर्ल से मिलता है शादी के लिए बाय shaadi.com, बट गर्ल उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर एक दिन पार्टी में वो हमारी मेन एक्ट्रेस कायनाज से मिलता है। उसे लगता है वो गर्ल उसे देख रही है, इसीलिए वो उससे मिलने चला जाता है। बट वो मैरिड होती है और उसका हस्बैंड उसे पीट देता है। इसके बाद एक दिन वही लेडी उसके क्लिनिक पे आती है और अपनी प्रॉब्लम बताती है। इस पर वो उसका ट्रीटमेंट कर देता है। इसके बाद हमारा हीरो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो इससे मिलने के बहाने भी करने लगता है और फिर उसे समझ में आता है कि कायनाज का उसके हस्बैंड से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो उसे मारता और पीटता भी है। फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद कार्तिक आर्यन उसके हस्बैंड को रास्ते से हटा देने का प्लान बनाता है और एक दिन उसे अपनी कार से एक्सीडेंट करके मार देता है। इसके बाद जब वो दोबारा उस लड़की से मिलने आता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसने डॉक्टर फ्रीडी का अपने हस्बैंड को मारने और उसका होटल अपने अंडर करने के लिए यूज़ किया है। और कहती है कि अगर उसने उसका पीछा करना अब नहीं छोड़ा तो वो पुलिस से उसकी कंप्लेन कर देगी और ये बताएगी कि वो वन साइडेड लव में अंधा होके उसने उसके हस्बैंड को मार दिया है। और सबूत में उसकी पिक्स दिखाएगी जब वो उसके घर के नीचे आया करता था उसका हालचाल देखने के लिए। इससे अपना हीरो बहुत ही हर्ट हो जाता है, बट फिर भी वो उससे कहता है तुम इस चीज़ के लिए बस मुझसे दिल से माफ़ी मांग लो। बट लड़की माफ़ी मांगने की बजाय वो उसे बहुत ही ह्यूमिलिएट करती है और उसको अपने नए बीएफ से पिटवाती भी है। इतना सब होने के बाद फिर फ्रीडी एक मास्टर प्लान बनाता है, जिसमें वो उसके घर में घुस के पहले तो सारे मैसेज और फ़ोटो डिलीट करता है। इसके बाद एक अपने आप को मैसेज करता है कायनाज के फ़ोन से। इस मैसेज का यूज़ आगे होगा और फिर किसी तरह फ्रीडी उसको होटल को बंद करा देता है, ये कह के कि उनके खाने में एक छिपकली निकली है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर कायनाज और उसका बीएफ उसे मारने के लिए उसे घर जाते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो फ्रीडी की ही प्लानिंग का एक पार्ट होता है। और फिर कायनाज पुलिस को बताती है कि इसी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। पुलिस इस पर सबूत मांगती है, बट फ्रीडी ने ऑलरेडी सब डिलीट कर दिया था, जिससे पुलिस उल्टा कायनाज को ही धमका देता है और उन्हीं पर एक्शन लेने के लिए बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रीडी को बहुत मारा था, बट फ्रीडी मना कर देता है। इसके बाद कायनाज का बीएफ डॉक्टर के फ्रेंड हार्डी, जो कि एक टोटोइज होता है, उसे उठा लेता है और उसका सूप बनाकर पी लेता है। जब ये बात फ्रीडी को पता चलती है तो वो ये सुन के बहुत ही हर्ट होता है और फिर वो उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक बंदे के ज़रिए पुलिस को उसके कार का नंबर बताने के लिए कहता है, जिससे कायनाज के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। जब पुलिस सर्च करती है तो वो कार फ्रीडी की ही होती है। इस पर पुलिस इंक्वायरी करती है तो वो पुलिस को बताता है कि कार उसी की है, बट इसे मैं नहीं चला रहा था, इसे कायनाज का बीएफ चला रहा होता है, क्योंकि कायनाज ने उसे कार मांगी थी और जब मुझे पता चला कि उसी कार से उन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी है। और इसके बाद फ्रीडी वो फुटेज भी दिखाता है जिसमें कायनाज के बीएफ ने फ्रीडी के टर्टल को किडनैप किया था। पुलिस को यकीन हो जाता है कि कायनाज ने ही अपने हस्बैंड को मारा है। इसके बाद पुलिस कायनाज और उसके बीएफ को पुलिस स्टेशन में जनरल इंक्वायरी के लिए बुलाती है। इसके बाद फ्रीडी कायनाज को फ़ोन करता है और उसे वो वीडियो और मैसेज दिखाता है और कहता है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। इसके बाद कायनाज बहुत ही डर जाती है और फ्रीडी से माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद फ्रीडी इन दोनों को एक लोकेशन पे बुलाता है और साथ में एक बैग लाने के लिए भी बोलता है। इसके बाद जब वो दोनों फ्रीडी की लोकेशन पे पहुंचते हैं तो वो बहुत ही सुनसान जगह होती है, जिसे देख के वो दोनों फ्रीडी को वहीं पर मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। बट फ्रीडी उन दोनों को बड़ी चालाकी से बेहोश करके बंदी बना लेता है और फिर उसके बाद अपनी इंसल्ट और अपने टोटोइज की मौत का बदला लेने के लिए वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। वो बिना एनेस्थीसिया दिए हुए उनका दांत निकाल देता है, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगते हैं। और इसके बाद वो उन दोनों को जिंदा ही ज़मीन में दफना देता है उधर पास ही के जंगल में।